जब आप चाट के ठेले पर खड़े होकर भेलपुरी खा रहे होते हैं और आपके फेंके हुए दोने को उठाकर एक भिखारी का बच्चा चाट रहा है, और उस वक्त जब तक आपके मन में उसके प्रति दया भाव महसूस नहीं होता और आप उस चाट बेचने वाले से उस भिखारी के बच्चे को एक भेलपुरी देने को नहीं कहते, तब तक आपके पास किसी भी पद का होना कोई फायदा नहीं है। कितने ही पैसे तुम्हारी जेब में हों या बैंक में हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। दौलत कमाकर भी यदि किसी के प्रति फीलिंग नहीं आई, किसी की अनुभूतियों से हम नहीं भरते हैं, किस काम की वह दौलत है। हकीकत में जिसके पास महसूस करने की शक्ति है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति है, उसी के पास जिंदगी है। हम जिंदगी को जी तो रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आप में प्रमाणिक नहीं हैं। हमारी अंदर सच्चाई व अच्छाई की जरूरत है, किंतु हम उससे पहचान बनाने से डरते हैं, क्योंकि हमारे स्वयं का ऊपर कोई विश्वास नहीं है। घर, परिवार, संगठन, व्यापार, कहीं भी रहो, जब तक औरों के दिलों में यह महसूस नहीं होता कि आपको उनकी ज़रूरत है, तब तक वे पूर्णतः आपके सच्चे साथी नहीं बन पाएंगे। ये जिंदगी है, ये दुनिया है, यहाँ हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी के लिए ज़रूरी हैं, कभी ये भी सोचना कि हमारे लिए भी कोई बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी अधूरी लगती है, जिसके बिना ज़िंदगी जीने का कोई महत्व नहीं हुआ करता है, जीने में कोई आनंद नहीं हुआ करता है। बस एक दूसरे की इस फीलिंग को समझ लो तो संसार स्वर्ग से सुंदर है।